हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल प्लस। तो आ गई हूँ, जैसे प्रॉमिस की थी कि आज दिवाली शॉपिंग का ज्वेलरी अनबॉक्सिंग होगा। तो ये एक ज्वेलरी जो मैं मंगवाई हूँ अमेजोन से, एक नेकलेस है, नेकलेस और इयररिंग सेट है, जेनिमी ब्रांड का है और ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में बहुत ज्यादा ऑफर था। ये पर्टिकुलर ब्रांड में ये दूसरा टाइम पे 400 रुपीज में मिलता है, अभी मुझे 129 रुपीज में मिला है। तो देखना है, देखने को है कि ये कैसा आया है, क्योंकि इतना कम प्राइस में मिला। तो देख पा रहे ये साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जिस टाइप का ज्वेलरी होता है, इस टाइप का है ये, मैट गोल्ड फिनिश के ऊपर है। और ये इसका पेंडेंट है और ये इयररिंग्स है, बिल्कुल अच्छा कंडीशन में आया है। कोई भी स्टोन्स नहीं, मिसमैच नहीं है। मैं आप लोगों को फोकस करके दिखा दे रही हूँ, देख लीजिए कितना प्रिटी है। और इसमें पर्ल भी है, कोई भी आप साड़ी के साथ, जो साड़ी मैं कल ली थी, मैं ऑलरेडी उसका अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ, मैं उसको आज जो फॉल्स ये सब लगाने के लिए दी हूँ, तो उसके साथ मैं ये पहनूंगी। देखिए ये कितना प्रिटी है। तो 120 रुपीज में बहुत ही अच्छा पीस है, कुछ भी फ्लॉलेस पूरा है, कुछ भी इसमें खराबी नहीं है, डिफेक्टिव आइटम नहीं मिला है, बहुत खूबसूरत है, आप लोग ले सकते हो। ब्रांड का नाम और एक बार देख लीजिए, जेनिमी ब्रांड है। तो इसका कभी नहीं मिलेगा ये जो पीस है 130 रुपीज में, जस्ट इम्पॉसिबल। ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में ही बस मिला है, आप लोग अभी भी ले सकते हो, जल्दी जल्दी अमेजोन पे जाके सर्च कीजिए तो ये मिल जाएगा इतना कम दाम में। और बाकी ये अभी मैं एक जन को देखी हूँ, कमेंट कर रही थी वो, कि उसमें कमेंट की हुई थी कि 404 रुपीज पे वो लिया है। ये सेम चीज़ काफ़ी वेट है, ऐसा नहीं है कि बहुत लाइट फालतू मटेरियल नहीं है, बहुत अच्छा खासा वेट है इसका। तो आज इधर ही ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, कुछ और भी क्वेरीज रहेगा तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा दिवाली ज्वेलरी हॉल और डेकोर हॉल। तो फिर इधर ही मेरा ज्वेलरी और डेकोर हॉल ख़त्म होता है, फिर कल से आएंगे कुछ और वीडियो लेके, और भी रिव्यू जो नॉर्मल मेरा आता है डेली अमेजोन से वो सब आता रहेगा, और भी दिवाली का कुछ कुछ डेकोरेटिव आइटम्स कैसे करेंगे वो सब दिखाएंगे। बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय।